Everyone, how are you all? I hope you all are good at home. Okay, student, what we have to do today, we have to start the new chapter, that is chapter number 3 in our EVS. The name of this lesson is keeping clean. अपने आप को साफ रखना. The name of the lesson is keeping clean. हम अपने आप को कैसे साफ रख सकते हैं. In this situation, जो आपने देखा है कि पूरे world में it's a COVID-19 कोरोना वायरस, आप सब सुन रहे होंगे वायरस के बारे में और इन सब जर्म्स के बारे में कि आपको ये वायरस कैसे पर्सन टू पर्सन फैलता है. तो उसके लिए वी हैव टू कीप आर सेल्फ वेरी क्लीन और इसी वजह से हमें इस टाइम अपने आप को बहुत साफ रखना है बाय वॉशिंग आर हैंड, कीपिंग आर सेल्फ क्लीन, वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स, यूजिंग सैनिटाइज़र, वेयरिंग मास्क. इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है और इसी वजह से दिस लेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल और इसी वजह से ये लेसन आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है. तो बिफोर स्टार्टिंग द न्यू लेसन वी विल डू द एक्टिविटी इन आर नोटबुक. हम हमेशा अपने लेसन को स्टार्ट करने से पहले उसकी एक्टिविटी करते हैं उसकी कॉपी में. सो यू विल ओपन योर EVS कॉपी. यू विल राइट डाउन द डेट. द डेट इज़ 14/7/20. यू विल राइट द डेट इन अ स्ट्रेट लाइन. आप बिल्कुल सीधी लाइन में डेट लिखेंगे. Then on the first line you will write chapter 3. I am writing in this Hindi copy but you are having 4 lines copy. So you will start chapter 3 in the first line you will write. Then second line you will write keeping clean, name of the lesson. सबसे पहले आप lesson का name लिखेंगे. Then heading you will write the activity. Why we should keep ourselves clean? क्यों रखना चाहिए हमें अपने आप को clean? क्योंकि everyone likes a person who is clean and tidy. आपको पता है कि हर इंसान उसी इंसान को पसंद करता है जो बिल्कुल साफ रहता है. आपको भी गंदे लोग नहीं पसंद होंगे, ऐसे ही हर इंसान को नीट एंड क्लीन पर्सन ही पसंद आता है. तो इस लेसन में लेट अस सी हाउ वी कैन कीप आर सेल्फ क्लीन. तो अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि हम अपने आप को कैसे साफ रख सकते हैं जिससे हम दूसरों को भी अच्छे लगें और हम अपने आप को भी अच्छे लगें. और जब आप नीट एंड क्लीन होते हैं तो वॉट वी गेट द कॉन्फिडेंस. हमें अपने आप में भी कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हम अच्छे लग रहे हैं या हम बहुत साफ हैं. ओके, तो फॉर दिस एक्टिविटी वॉट यू हैव टू डू, यू विल ओपन योर EVS कॉपी, यू विल राइट दिस हेडिंग एवरीथिंग. देन यू विल राइट द क्वेश्चन नंबर 1. Draw any two things that can help you keep your body clean. आपको कोई भी two things, दो चीज़ें, any two things, कोई भी दो चीज़ें ऐसी बनानी हैं जो आपको साफ रखने में आपकी help करती हों. अब साफ रखने के लिए तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें help करती हैं. Just I am giving some example. मैंने इन pictures के picture के ज़रिए आपको कुछ examples दिए हैं. यू कैन मेक एनी थिंग. आपको जो भी चीज़ें लगती हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे से साफ़ रखती हैं या हमें ये यूज़ करना चाहिए या हम ये यूज़ करते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं अपने आप को साफ़ रखने के लिए, यू कैन ड्रॉ हेयर. आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं एनी टू थिंग्स, कोई भी दो चीज़, एंड यू कैन कलर इट. अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं. यू यूज़ द सोप. एज यू ऑल नो कि वी आर यूजिंग द सोप. आप हर TV एड में, हर जगह पे आप यही सुन रहे हैं कि यूज़ सोप, क्लीन वॉश योर हैंड, क्लीन योर हैंड्स, क्लीन योर बॉडी. क्यों? क्योंकि सोप्स जो होते हैं वो हमारे जर्म्स को किल कर देते हैं, मार देते हैं हमारे जर्म्स को. तो वी शुड यूज़ द सोप. सोप, एनी सोप यू कैन यूज़. टॉवल, यू यूज़ टॉवल. देन मास्क, जो आजकल बहुत ज़रूरी है, विच यू शुड वेयर, जो हमें क्लीन रखता है दूसरों के वायरस से. जो हम अपने जब फेस पे लगाते हैं, हमारा फेस कवर रहता है, हमारी नोज़ कवर रहती है, इससे हमें जो दूसरों के जर्म्स हैं वो हम तक नहीं आते हैं. तो यू शुड कवर योर मास्क. आप घर में भी रहिए तो मास्क लगाइए जितना आपसे हो सके, बाहर जाइए तो सबसे पहले लगाइए. घर पे आने के बाद हैंड वॉश कीजिए. बाहर जाने में भी आप अपने, यू शुड वेयर द ग्लव्स. अगर हो सके, पॉसिबल हो तो आप अपने ग्लव्स पहनिए. इवन आप अपने मदर फादर को भी ये बात बताइए कि वेयर योर मास्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. देन कोम. कोम, यू ऑल यूज़ कोम. येस, इट मेक्स योर हेयर हेल्दी एंड इट मेक्स इट कीप योर हेयर क्लीन. कोम हम इसलिए करते हैं कि जब हमारे बाल ख़राब होते हैं तो वी यूज़ इट. देन ऑयल, यू यूज़ ऑयल. एवरी वन यूज़ ऑयल, ठीक है. येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डैट इज़ वाटर. वाटर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इट्स असेंशियल. क्यों? क्योंकि वाटर ही ऐसी चीज़ है जिससे सबसे पहले जर्म्स ख़त्म होते हैं. हम सोप भी यूज़ करने से पहले हैंड वॉश किससे करते हैं? वाटर से. तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो यू कैन यूज़ वाटर.
सैनिटाइजर, यस, नाउ अ डेज वॉट यू आर यूजिंग सैनिटाइजर टू कीप योर हैंड्स क्लीन। इस टाइम क्यों आप लोग सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये सैनिटाइजर ही ऐसी चीज़ है जो हमारे जर्म्स को किल कर रहा है। इस टाइम हमारे हैंड में अगर, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है एंड इट यूज़ टू किल आर जर्म्स इन अवर हैंड। देन हाउ यू क्लीन योर टीथ विद द हेल्प ऑफ टूथपेस्ट। आप टूथपेस्ट कोई भी, जो भी आप यूज़ करते हैं, यू कैन ड्रॉ टूथपेस्ट, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग जो आपको लगे कि इट कीप्स योर बॉडी क्लीन, जो आपकी चीज़ें जो आपकी बॉडी को क्लीन रखता है, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। सो दिस इज़ योर एक्टिविटी। यू विल यूज़ द पेंसिल, यू विल राइट डाउन द क्वेश्चन योर सेल्फ, यू विल राइट द हेडिंग योर सेल्फ, यू विल ड्रॉ द पिक्चर योर सेल्फ। आपसे जैसे भी पिक्चर्स बनती हैं, यू कैन ड्रॉ योर सेल्फ। ये नहीं कि मम्मी पापा से, भाई बहन से बनवाएं। यू कैन यूज़ योर पेंसिल, यू कैन यूज़ योर बुक और फ्रॉम एनी वेयर यू कैन ड्रॉ द थिंग्स। आप कहीं से भी देख के बना सकते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें बना लीजिए एंड इट यू विल इन्जॉय दिस एक्टिविटी ऑल्सो, ताकि आपको मज़ा भी आएगा एंड यू विल लर्न टू हाउ योर कीप योर बॉडी क्लीन। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।